वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, हम प्रोबेबिलिटी के एडिशन थ्योरम पर हैं और एडिशन थ्योरम में कुछ क्वेश्चन आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जिसको समझने में आपको दिक्कत होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, इसका क्या मतलब है? अगर आगे क्वेश्चन देखें, आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन ए बिटवीन ए एंड बी इज दिस। अब ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है आपका? तो ये कुछ टर्म्स हैं, इन सबको समझने में प्रॉब्लम हो उससे पहले हम क्या करते हैं, इन टर्म्स को ही समझ लेते हैं और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, फिर इन क्वेश्चन पे लौट करके हम वापस आएंगे। तो आइए बच्चे, पहले एग्जांपल से टर्म्स को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं पहले। अब यहां देखें आप, लाइक आपके पास पे एक क्लासरूम में ये तीन स्टूडेंट हैं जो कि मैथ्स में पास हो गए और इस क्लासरूम में दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स में भी पास हुए हैं और प्लस इंग्लिश में भी पास हो गए, दोनों में पास हुए हैं, दो स्टूडेंट ऐसे हैं। और इस क्लासरूम में चार स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे, ये तीन स्टूडेंट मैथ्स में पास हुए हैं, ये तीन स्टूडेंट जो हैं सिर्फ मैथ्स में ही पास हुए हैं, इसको बोलेंगे हम ओनली मैथ्स। का मतलब ये हुआ किसी और सब्जेक्ट में ये पास नहीं हुए, ओनली मैथ्स में पास हुए। और ये जो है स्टूडेंट हैं ये बोथ में पास हुए, ठीक है। और चार स्टूडेंट ऐसे हैं मेरी क्लास में जो ओनली इंग्लिश में पास हैं। अब आप बताओ मेरे ये टोटल कितने हैं? अगर आप देखें, अगर मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल क्वेश्चन, मैंने अपनी क्लासरूम की सिचुएशन आपके सामने रख दी है जिसमें कि तीन स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में ही पास हुए हैं। अब इस क्लासरूम में दो स्टूडेंट ऐसे हैं निकल के आए हैं सामने जो दोनों ही सब्जेक्ट में पास हुए, और चार स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में ही पास हुए। अगर मैं इसमें से इनसे ही पूछता हूँ अपनी क्लासरूम में जा करके कि भैया मैथ्स में कितने पास हुए, तो मैथ्स में कितने पास हुए उनको स्कॉलरशिप मिलेगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा, तो कौन कौन हाथ खड़े करेंगे अपना? ये तीनों मैथ्स में पास हुए, मैंने पूछा ही क्या, जो मैथ्स में पास है मैं उनको स्कॉलरशिप दे दूंगा, जो मैथ्स में पास है मैं उनको प्राइज बांटूंगा, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैंने बोला भैया जो मैथ्स में पास हुआ है मैं उसको प्राइज दे रहा हूँ, तो जो जो मैथ्स में पास हुए वो खड़े हो जाओ। तो कौन कौन खड़े होंगे? ये तीनों खड़े होंगे। क्या ये खड़े होंगे? हाँ ये भी खड़े होंगे, मैथ्स में तो पास है ना, तो मैथ्स में पास अगर आप करते हैं तो कितने हुए? फाइव स्टूडेंट हुए। अगर इंग्लिश वाले टीचर बोलते हैं भैया जो इंग्लिश में पास है मैं उसको प्राइज दूंगा, तो ये तो पास है, ये तो प्राइज लेने के लिए आएंगे, ये भी आएंगे यहाँ पर, तो ये आपके पास चार दो छः लोग, तो टोटल कितना आ गया? टोटल कितना आ गया आपके पास में? टोटल आपके पास में 11 लोग हो गए टोटल। और क्या ये टोटल सही है? नहीं, ये टोटल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये जो दो लोग हैं ये इसमें भी इनकी गिनती हुई है, पाँच में भी शामिल है, सेम वही दो लोग छः में भी शामिल है तो दो ही लोग, लेकिन यहाँ पर भी तो उनकी गिनती हो गई है, डबल रिपीटेशन हो गई है, तो 11 आ रहा है जबकि टोटल 11 नहीं है। टोटल कितने? 3, 2, 5 और 4, 9 है। ये बात समझ में आई आपको बच्चे? क्लियर है? तो कभी भी अगर ये बोला जाए कि भैया मैथ्स में पास और ओनली मैथ्स में पास फ़र्क है, ओनली मैथ्स में पास का मतलब है जो और सब्जेक्ट में पास नहीं है, मैथ्स में पास का मतलब है इसमें है और भी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? ओनली इंग्लिश में पास एक अलग चीज़ है जो सिर्फ इंग्लिश में पास है, और इंग्लिश में पास इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश में पास वाले सभी लोगों को शामिल किया गया जो बोथ में है वो भी। ये समझ में आ रहा है आपको ओनली का कंसेप्ट क्या है और बिना ओनली का मतलब क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है पूरा। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये टोटल गलत है, तो टोटल सही कैसे करूँगा मैं? सवाल ये है, लाइक जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैथ्स में पास पाँच लोग हैं, दिस वन, तो मैथ्स में पास कितने लोग हैं? पूरे सर्कल की वैल्यू, पिंक सर्कल की वैल्यू पांच है। और फिर मैं आपसे ये कह रहा हूं
कि इंग्लिश में पास 6 लोग हैं, ये पूरे येलो सर्कल की वैल्यू, इंग्लिश में पास 6 लोग हैं, क्लियर है? पूरे आपके पास में येलो सर्कल की वैल्यू 6 है, पूरे सर्कल की वैल्यू 6 है। और मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ, बोथ में पास जो है एक ऐसा हिस्सा जो कि मैथ्स में भी आ रहा है, वही सेम हिस्सा आपका, एक ये हिस्सा जो मैथ्स के अंदर भी आ रहा है और यही हिस्सा आपका इंग्लिश के अंदर भी आ रहा है, तो 2 लोग हैं। तो टोटल कैसे निकालोगे आप? तो टोटल कैसे निकालोगे आप, पहले आप ये देखोगे कि 5 में ये 2 जो है, इन 5 में तो 5 में 2 माइनस करोगे तो क्या होगा, 3। 6 में भी ये 2 लोग हैं, दोनों में ही है ना, 6 में 2 माइनस 4। और अब आपके पास में अगर आपने 5 में से 2 माइनस कर दिया तो ये वाला हिस्सा आएगा, देखो ये वाला हिस्सा आएगा ना, ये देखिए, क्लियर है बच्चे? अगर आपने 5 में से 2 माइनस कर दिया तो 3 आएगा, वो ये वाला हिस्सा आएगा, ठीक है? ये जो हिस्सा, ये हिस्सा देखिए, अगर पूरा 5 है उसमें 2 माइनस कर दिया तो 3 जो बचेगा, 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो आपका ब्लिंक हो रहा है, ये 3 है। इसी तरीके से 5 में से 2 माइनस करोगे तो जो 4 आएगा, 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये इस ब्लिंक वाले हिस्से को बताएगा, क्योंकि पूरा 6 था ना, 6 में से 2 माइनस करा 4 आ गया, तो ये ब्लिंक वाला हिस्सा 4 आएगा। तो अब आपका 3 में भी 2 नहीं है और उस 4 में भी 2 नहीं है। अब मेरे पास में 2 की रिपीटेशन हटा दी मैंने, अब 2 को एक बार ले लेता हूँ, तो अब मेरे पास में टोटल कितना हो गया, 9। अब ये टोटल सही है, या तो मैं एक काम कर सकता हूँ इसमें, वो भी देखिए आराम आराम समझो बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बड़े प्यार से आराम से समझते हुए आगे बढ़े, ठीक है? या तो इसमें एक काम हम और कर सकते हैं कि मैं 6 और 5 को ले लूँ तो 11, मुझे मालूम है ये 2 इसमें ही बैठा है, 2 इसमें ही बैठा है, 2 को तो गिनना ही है ना, बट 2 बार नहीं गिनना, एक ही बार गिनना है, तो ये 2 इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, तो इसकी रिपीटेशन होगी, तो एक बार मैं माइनस कर देता हूँ, तो अब भी मेरा टोटल सही आया, क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? तो बेसिकली क्या है ये लाइक मैथ्स प्लस करा मैंने, अब प्लस क्या करा, इंग्लिश, ठीक है? और जो दोनों में कॉमन है, इंटरसेक्शन ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश कहेंगे कॉमन को, तो इसमें से मैं जो दोनों में कॉमन है, मैथ्स एंड इंग्लिश में कॉमन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं उसको, तो मैथ्स एंड इंग्लिश, क्लियर है बच्चे? अब आप यहाँ पर इसका निकालते हैं तो यही इसका फॉर्मूला बना ना, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये पूरे के पूरे सर्कल की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देगा, मतलब पूरा का पूरा जो ये हिस्सा है, ये पूरा जो ये हिस्सा है, ये इस पूरे हिस्से को रिप्रेजेंट करेगा, कोई रिपीटेशन नहीं होगी, क्लियर है? पूरे इसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल बोलते हैं, सब इसमें इंक्लूड है, तो इसको मैथ्स इसको क्या बोलोगे आप, मैथ्स यूनिवर्सल इंग्लिश, ये समझ में आया क्या है, क्लियर है बच्चे? आपको समझ में आया ये किस तरीके से आपका क्रिएट हुआ है? और एक और एग्जांपल से बस एक और चीज समझ लीजिए, फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, क्लियर है ना बच्चे? चलिए मैं आपसे एक बात कहता हूं, सिंपल सी मैं बात आपसे आपके सामने रख रहा हूं कि मैथ्स में पास 70% लोग हो गए, इंग्लिश में पास 60% लोग हो गए, इंग्लिश में पास 30% लोग हो गए, और मैथ्स और इंग्लिश दोनों में पास 20% लोग हैं, जो दोनों में पास है, क्लियर है बच्चे? तो मुझे ये बताना है
कुल कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पास हैं। तो आप बोलोगे सर 60 और 30 90 और ये 20 110, 110% कैसे हो जाएगा पास? कुल स्ट्रेंथ तो अपने आप 100% होती है। आपकी गलती क्या है? मैंने ये ओनली मैथ्स नहीं बोला है, मैंने बोला मैथ्स में पास तो बोथ वाला भी इसमें इंक्लूडेड है, मैंने बोला इंग्लिश में पास तो बोथ वाला भी इसमें इंक्लूडेड है, बोथ वाला दोनों में आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ ऐसे कितने परसेंटेज जो कहीं ना कहीं पास हैं, ठीक है? तो आपको इसको पहले सही करना है। सही कैसे करना है आपको? आपको मैथ्स यूनिवर्सल इंग्लिश निकालना है, जो कैसे निकालोगे? मैथ्स में पास प्लस इंग्लिश में पास, अब बोथ वाला इसमें बैठा इसमें बैठा तो एक बार माइनस कर दो मैथ्स, ठीक है बच्चे? तो मैथ्स और इंग्लिश तो इसमें आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया आपके पास में? 60% प्लस 30% माइनस 20% और आपका 70% ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पास है। इसमें तीन कैटेगरी आ गई 70% में। अब बोलोगे सर तीन कैटेगरी कौन कौन सी? आइए मैं डिटेल में बताता हूँ। 20% मैथ्स में पास है 60% लोग, तो जो भी मैथ्स में पास है सबको बताया गया इसमें। और होता ना ओनली मैथ्स में पास है, सिर्फ मैथ्स में पास वाला ही होता, पर बोला मैथ्स में पास है 60%, तो इसमें जो भी मैथ्स में पास हो गया उसको कंसिडर कर लिया। तो अगर मैं इसमें से 20% माइनस कर दूँ तो 40% आएगा, ये 40% आएगा ओनली मैथ्स में पास। अगर इसमें से भी मैं 20% माइनस कर दूँ, क्योंकि इंग्लिश में पास 30% है तो बोथ वाला भी लेके बैठा है, तो आया 10%। 10% कौन सा आ गया? ओनली इंग्लिश में पास। अब ये मैंने क्या करा, बोथ वाले को दोनों से एक्सक्लूड कर दिया। अब मैं यहां से 20% ले लेता हूं, ये क्या है? बोथ पास। कुल कितना हुआ? 70%। 70% में कौन कौन सी कैटेगरी आ गई? कौन कौन सी कैटेगरी आ गई? जो ओनली मैथ्स में पास है, ओनली इंग्लिश में पास है एंड बोथ में पास है, तीन कैटेगरी को लेकर चल रहा है। क्लियर है? मेरी बात समझे? तो जैसे कि मैं अगर आपसे ही पूछूं एक क्लासरूम में कि जो सिर्फ मैथ्स में पास है वो यहाँ खड़े हो जाओ, बच्चे आगे खड़े हो गए। मैंने कहा जो सिर्फ इंग्लिश में पास है वो यहाँ के खड़े हो जाओ, वो यहाँ के खड़े हो गए। मैंने कहा आप जो दोनों में ही पास है, क्योंकि मैंने जब कहा सिर्फ मैथ्स में पास है तो यहाँ खड़े हो जाओ, उसके बाद मैंने कहा जो सिर्फ इंग्लिश में पास है यहाँ खड़े हो जाओ, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। फिर मैंने कहा आप जो दोनों में पास है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं कह रहा हूँ जो सिर्फ मैथ्स में पास है वो यहाँ खड़े हो और जो सिर्फ इंग्लिश में पास है वो यहाँ खड़े हो, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ जो दोनों में पास है, तो ये दोनों में नहीं है ना ये दोनों में है, जो बैठे हुए वो बीच में खड़े हो गए। अभी भी कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, वो कौन से बच्चे बैठे हुए हैं? वो दोनों में ही फेल है, तभी उनका नंबर नहीं यहाँ आया, नहीं यहाँ आया और नहीं यहाँ आया। क्लियर है बच्चे? यही तो मतलब है। तो कुल 100% होता है, जिसमें 70% तो ऐसे जो कहीं ना कहीं पास है, तो बाकी 30% क्या है? जो कहीं पर भी पास नहीं है, नाइदर मैथ नॉर इंग्लिश, ठीक है ना? क्लियर है बच्चे? तो उसके लिए 100 में से माइनस करना पड़ा। प्रोबेबिलिटी में 100 का मतलब क्या होता है? 1 होता है, ठीक है? क्लियर है? तो कहीं बोलेगा नाइदर दिस नॉर दिस, इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले दिस वन, ये निकालने के बाद उसको 1 में से आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अभी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। और पहले आप इन टर्म्स को समझ के, समझ में आया या नहीं आया आपको ये सारी चीज़ें? क्लियर है बच्चे? तो चलिए, टीम चीज समझ में आपको आ गई है तो आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है ना? ओनली ए नहीं है, प्रोबेबिलिटी ए में कॉमन वाला भी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसमें भी कॉमन वाला भी होगा, ठीक है? एंड प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, कम से कम जिसके पास में एक हो और दो हो, बी हो, 0.8। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ओनली ए, ओनली वन ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना? सिर्फ ए, ओनली वन ऑफ ए एंड बी, सिर्फ ए और सिर्फ बी की प्रोबेबिलिटी को आपको निकालना है। चलो करो जरा, फिर आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। हाँ जी बच्चे, देखें जरा यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है आपके पास में, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है आपके पास में, तब मैं लिख देता हूँ एक बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 0.4 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 0.7 अब एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी मतलब ए को भी ले रहा है बी को भी ले रहा है, एटलीस्ट मतलब कम से कम ए को, तो इसका मतलब ये हो गया
एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, मतलब ये हो गया कम से कम एटलीस्ट ए को, एटलीस्ट का मतलब हो गया एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी, समझिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए एटलीस्ट वन हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी एटलीस्ट वन हो गया, ठीक है ना, और इंटरसेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी या कॉमन बिटवीन ए एंड बी, तो इसमें दोनों की ही प्रोबेबिलिटी हो गई, तो एटलीस्ट कह रहा है तो सिर्फ इसकी या सिर्फ इसकी या फिर दोनों की भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनिवर्सल या ए यूनियन बी होता है इसका मतलब। ए बी मैंने बता दिया टर्म, आगे आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्लियर है बच्चे, इसी को क्या बोलते हैं हम एटलीस्ट, क्योंकि कम से कम एक हो ना, अभी आपने को मैंने पढ़ाया यहां पर मैंने बताया आपको इस 70% में क्या क्या है, अभी ऐड करके दिखाया आपको मैंने, एटलीस्ट वन है ना, या तो ये है या फिर ये है या फिर दोनों है, एटलीस्ट का दोनों में 70% में तीनों आगे ना, तो ये बेसिकली 70% क्या होता है, यूनियन होता है ना। अब आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ओनली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ओनली वन ऑफ ए एंड बी, मतलब ओनली वन, ओनली वर्ड का मतलब समझ में आया ना आपको बच्चे, लाइक आप सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के अंदर ए ओनली ए है और प्लस में बोथ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के अंदर क्या है, ओनली बी है प्लस बोथ है, अभी सब समझाया था मैंने आपको, तो पहले बोथ वाला कंसेप्ट हम निकाल लेते हैं यहां से, फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बताता, ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड ये आपको गिवन है 0.8 इक्वल्स टू 0.4 प्लस 0.7 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सॉल्व करेंगे आप, 0.8 माइनस 1.1 इक्वल्स टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड सॉल्व करेंगे इसको 0.3 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड आपका माइनस से माइनस कैंसिल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0.3। क्लियर है बच्चे, तो ये क्या हो गया, ये बोथ वाला हो गया इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन है जो बोथ वाला है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में कितने लोग शामिल हैं, जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल लूं, ये क्या चीज है उसको समझिए, मैथ्स में पास हैं 5 लोग, तो इसमें कितनी कैटेगरी इन्वॉल्व है, 2 कैटेगरी, ओनली मैथ्स वाली भी है, और मैंने बोला इसमें से जो मैथ्स में पास है वो आ जाओ, तो कौन कौन आएंगे, ये भी आएगा और ये भी आएगा, कि दोनों में जो पास है, तो जो मैथ्स में पास है उसमें 2 कैटेगरी इंक्लूडेड है, ओनली मैथ्स एंड बोथ, जो इंग्लिश में पास है 2 कैटेगरी इन्वॉल्व है, ओनली इंग्लिश एंड बोथ। उसी तरीके से आपके पास जब इन दोनों में से मैं कॉमन कॉमन वाला मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इन दोनों में से, क्लियर है, तो ओनली मैथ्स वाला आ जाएगा, क्योंकि कॉमन वाले कितने हैं मेरे पास में, 2 लोग हैं, तो अगर मैं 2 लोग सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इसमें से तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, जैसे मैंने यहाँ करा था ना, 2 सब्ट्रैक्ट करा तो ये ओनली मैथ्स वाला आ गया था, क्योंकि इसमें बोथ 2 कैटेगरी इन्वॉल्व थी, ओनली मैथ्स में पास एंड बोथ, तो ओनली मैथ्स में आ गया, बोथ वाला मैंने माइनस कर दिया तो ओनली इंग्लिश वाला आ गया, यही आएगा ना अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर अपने क्वेश्चन में आपसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ ए एंड बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ ए एंड बी, तो इसका मतलब ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए, सिर्फ ए नॉट बी, क्लियर है बच्चे, तो यहां पर आप इसको सिंबल सिंपल कर दो ना यार, इसके अंदर माइनस कर दो आप 0. कॉमन, क्योंकि 2 कैटेगरी है 3, 0.1, ये क्या हो गया ओनली ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए, इसमें से माइनस कर दो 0.3 जो कॉमन वाला है, तो किसकी आ जाएगी 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी नॉट ए, क्लियर है। अब क्या प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है आपसे, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे ओनली वन ऑफ
ए एंड बी मतलब ये भी और आपका ये भी, ठीक है, ओनली वन, सिर्फ एक का लेना है। तो कितना आया मेरे पास में, ओनली एक का ये, ओनली वन का ये है, इसमें बोथ नहीं है, तो 0.5 इसका ये आंसर है। क्लियर है बच्चे?